नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव। अभी प्रजामंडल का अपना वीडियो चल रहा है। पिछले प्रजामंडल अपन ने जाना था बीकानेर, अलवर और भरतपुर, सापरा, करौली। प्रजामंडल के बारे में जाना था। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936 के अंदर। और किसने की थी? मग्गा राम वैद ने। कहाँ पे की थी? कलकत्ता के अंदर। और उसमें की 1907 सभा बनी थी। उसका निर्माण किया था कन्हैया लाल और गोपाल दास ने। और उस प्रजामंडल में 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया था धर्म स्तूप पे। कहाँ पे? चूरू के अंदर। किसने फहराया था? चंदनमल बैड़ और गोपाल दास ने। उसी क्रम में अपन ने पढ़ा था कि उस सबसे ज्यादा किसान आंदोलन बीकानेर प्रजामंडल में होते। राज सिंह पराकांड वो हुआ था 1 जुलाई 1946 को। उसी में के अंदर वीरबल दिवस मनाया गया था 17 जुलाई 1946 में। और उस एक उदासर किसान आंदोलन हुआ था, एक दूधवा खारा किसान आंदोलन हुआ था उसमें, और एक कांगड़ खारा किसान आंदोलन हुआ था उसमें। एक जमींदार संघ का निर्माण हुआ था, दरबार सिंह करतार सिंह ने बनवाया था। और उसी के अंदर एक दिवस मनाए गए थे, तो बीकानेर दमन विरोधी दिवस। ये कब मनाया गया था? 26 अक्टूबर 1944 को। एक मनाया गया था नेताजी दिवस। ये कब मनाया गया था? 23 जनवरी 1946 को। एक मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1946 को। उसी क्रम में अपन ने आगे पढ़ा था अलवर प्रजामंडल, हरिनारायण ने उसकी स्थापना की थी 1938 के अंदर। और फिर वहां पे संघ बने थे, एक आदिवासी संघ का निर्माण होता है, अस्पृश्यता निवारण संघ बना था, एक वाल्मीकि संघ का निर्माण हुआ था। और ये अलवर प्रजामंडल भी अलवर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, और जयपुर प्रजामंडल में। और फिर उसी क्रम में अपन ने सापरा प्रजामंडल पढ़ा था, उसका निर्माण 1938 के अंदर होता है, और लादूराम व्यास और रमेश चंद ओझा ने उसका निर्माण किया था। और फिर भरतपुर प्रजामंडल पढ़ा था, उसके क्रम में उसका 1938 में उसका निर्माण होता है। जुगल चतुर्वेदी, मास्टर आदित्यन्द्र नाथ, गोपाल दास यादव, गोपाल लाल यादव और किशन लाल जोशी ने उसका निर्माण किया था। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहते हैं। और समाचार पत्र था उसमें एक वैभव नाम का, और जगन्नाथ दास ने शुरू किया था। और समाचार यहाँ पर एक हिंदी साहित्य समिति का निर्माण किया था जगन्नाथ ने 1912 में। फिर वो करौली प्रजामंडल आता है, उसका निर्माण किया था मथुरा त्रिलोक चंद माथुर ने और चरणजीलाल आर्य ने और कुंवर मदन सिंह ने। उसी क्रम में अपन पढ़ेंगे अब मेवाड़ प्रजामंडल। दोस्तों ये आज अपना टॉपिक क्लियर हो जाए पूरा प्रजामंडल का अच्छी तरीके से, अब अपन पढ़ते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 24 अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। और किन किन ने की थी? अध्यक्ष थे इसके बलवन राय मेहता, उपाध्यक्ष थे भूरेलाल भैया, और एक मंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। दोस्तों इसी माणिक्यलाल वर्मा ने इस प्रजामंडल की स्थापना की थी, और अध्यक्ष बनाए गए थे बलवंत राय मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल का। और इसी प्रजामंडल की स्थापना होती है कब? 24 अप्रैल 1938 के अंदर। दोस्तों अब फिर इसमें क्या होता है कि यहाँ पर अखिल भारतीय लोक परिषद बनी थी ना 1927 के अंदर, उसका अधिवेशन होता है सातवां अधिवेशन, जिसके अंदर नेहरू जी और एक नेहरू जी यहाँ पर पधारे थे। कौन सा सातवां अधिवेशन होता है यहाँ पर? किसका? अखिल भारतीय लोक परिषद का, देसी राज्य लोक परिषद का, जिसमें नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला ने भाग लिया था। नेहरू जी के अध्यक्ष बने थे उसके यहाँ पर।
अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, ये होता है 31 दिसंबर 1945 से लेकर 1 जनवरी 1946 के बीच में। अध्यक्ष बनाता है इसका जवाहरलाल नेहरू जी, और यहां पर भाग लिया था एक शेख अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति ने भी भाग लिया, शेख अब्दुल्ला जी ने भाग लिया इसमें। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का निर्माण कब होता था? 1927 के अंदर। किसने? राव रामचंद्र ने, और उसके उपाध्यक्ष कौन थे उस टाइम? विजय सिंह पत्ते के, और कहा हुआ था? वर्धा के अंदर। इसका सातवां अधिवेशन होता है, कौन सा? सातवां अधिवेशन। और इसका प्रथम अधिवेशन कब होता है? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है 1941।
अपन निपटाता है सिरोही प्रजा मंडल के बाद में आता है कुशलगढ़ प्रजा मंडल। उन्नीस सौ बयालीस में इसकी स्थापना किसने की थी? भवन लाल निगम ने। फिर आता है कुशलगढ़ के बाद में बांसवाड़ा प्रजा मंडल। इसकी स्थापना किसने की थी? 1943 के अंदर बांसवाड़ा प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। इसने संग्राम पत्रिका पत्र निकाला था बॉम्बे से। पत्र किस कौन सा निकाला था? संग्राम पत्र निकाला था बॉम्बे से मणिशंकर मणिशंकर और एक दुलजी भाई भाव सागर। और इनकी पत्नी का नाम था विजया बेन भावसागर। इन्होंने महिला मंडल की स्थापना की थी। महिला मंडल की स्थापना किसने की थी? विजया बेन भावसागर ने। और दोलजी भाई भावसागर की पत्नी थी भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने। संग्राम पत्रिका पत्र निकाला था बॉम्बे से। स्थापना की थी 1943 में। बांसवाड़ा प्रजा मंडल की स्थापना होती है 1943 के अंदर। और इनका पूरा नाम था मणिशंकर नांगर। इसके बाद में आता है डूंगरपुर प्रजा मंडल। इसकी स्थापना कब होती है? 1944 में। भोगीलाल पांड्या हरिदेव जोशी जोशी ने मिलकर की थी। इस प्रजामंडल की स्थापना होती है कब? तिलक की पुण्यतिथि पर। और तिलक की पुण्यतिथि कब आती है? 1 अगस्त को। और कब हुई थी इसकी? 1944 में स्थापना तिलक की पुण्यतिथि पर। दोस्तों इसी के अंदर एक गौरीशंकर उपाध्याय और थे इस प्रजामंडल में। शंकर उपाध्याय नाम के। इन्होंने क्या किया था? एक समाचार पत्र निकाला था सेवक समाचार पत्र। सेवक समाचार पत्र ना। और एक और समाचार पत्र था इस एक अगस्त 1944 से तिलक की पुण्यतिथि पर इस प्रजामंडल की स्थापना होती है 1944 में भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी ने। दोस्तों इसमें गौरीशंकर उपाध्याय और थे जिसने सेवक के समाचार पत्र निकाला था। और इसी में एक कांड होता है रास्तापाल कांड। कौन सा? रास्तापाल कांड क्यों होता है कि यहाँ पर प्रजामंडल में अंग्रेजों द्वारा सामंतों द्वारा ये बोला गया कि यहाँ पर स्कूलों को बंद किया जा रहा था। और यहाँ पर एक गुरु थे सेंधा भाई जिन्होंने मना कर दिया। और नानक भाई भील उन्होंने मना कर दिया कि हम पाठशाला को बंद नहीं करेंगे। इसी कारण ये रास्तापाल कांड होता है। कब होता है? 19 जून 1947 को। क्या हो रहा था इसमें? क्या हुआ था? नानक भाई भील को पुलिस वाले रस्सी से बांधकर घिसेड़ते ले जा रहे थे। उसी टाइम में उनकी शिष्या थी काली बाई। काली बाई वहां से
चारे की गठरी लेकर जा रही थी और उसकी उनके पास दांत दंताली होती है ना काटने वाली, वो भाग के उससे काट दिया वो वहीं पे उस रस्सी को, जब उनके गुरु को घिसटते हुए लेके जा रहे थे ना पुलिस वाले अंग्रेज इसी कारण। और फिर पुलिस वालों ने उन दोनों पर गोलियां चला दी, इस कारण उन दोनों की मृत्यु वहीं हो गई थी और चन्ना भाई को पीट पीट कर लाठी से घायल कर दिया गया था। इसमें कौन कौन मारे गए थे? नानक भाई, बील, ये तो गुरु थे, और काली भाई ये शिष्य थी। और इनको इनकी मूर्ति बनी हुई है गेव सागर के पास, काली भाई की मूर्ति। चन्ना भाई जी घायल हो गए। और इसी में एक इसी ऐसा ही कांड होता है, मतलब गुरु पे ही, मतलब पुनवाड़ा कांड है, पुनवाड़ा कांड, ये मई 1947 को होता है। इसमें क्या होता है, एक इनके अध्यापक थे शिवराज बील, उनको मार दिया जाता है, शिवराज बील को। दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1944 में भोगीलाल पांडे और हरिदेव जोशी ने की थी। गौरी शंकर उपाध्याय सेवक के समाचार पत्र, सेवक के समाचार पत्र 1 अगस्त 1944 को तिलक की पुण्यतिथि पर इस प्रजामंडल की स्थापना होती है। राष्ट्रपाल कांड होता 1947 को, नानक भाई बील और काली भाई की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और चन्ना भाई घायल होते हैं और गेव सागर पर मूर्ति लगी हुई है काली भाई की। और एक पुनवाड़ा कांड भी होता है, इसके अंदर मई 1947 में शिवराज बील गुरु अध्यापक थे वो मारे गए जाते हैं। इसमें इसी क्रम में अपन आगे पढ़ते हैं प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1945 के अंदर। उनको अमृतलाल, अमृतलाल पायक, अमृतलाल पायक ने इसकी स्थापना की थी। अमृतलाल पाठक इस प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? अमृतलाल पाठक ने। और इनके साथ चुन्नी लाल प्रभाकर और टक्कर बापा, चुन्नीलाल और टक्कर बापा, इन्होंने मिलकर इस प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? 1945 के अंदर अमृतलाल पाठक, चुन्नीलाल प्रभाकर, टक्कर बापा ने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों इससे आगे आता है जैसलमेर प्रजामंडल। इसकी भी स्थापना कब होती है? 1945 के अंदर। और इसके स्थापक थे मीठालाल व्यास और इसमें सागरमल गोपा को April 4, 1946 को तेल डालकर आग लगा दी जाती है जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रजामंडल के अंदर इन्होंने जैसलमेर के गुंडा राज पुस्तक लिखी थी, उन जैसलमेर के राजाओं की वो थी आलोचना कर रहा था और इनको 1946 में गिरफ्तार कर लिया गया था। 4 अप्रैल 1946 को इनको तेल डालकर आग लगा दी गई थी। और यहां पर 1932 में
माहेश्वरी समाज युतलिक के निर्माण होता है। माहेश्वरी समाज युतलिक का निर्माण इसी प्रसंग में होता है। एक समाचार पत्र निकलता है यहाँ पे विजय 1920 के अंदर। और एक लास्ट प्रजामंडल है झालावाड़ प्रजामंडल। इसकी किसने की थी? मांगीलाल बहुवे। मांगीलाल बहुवे ने इस प्रजामंडल की स्थापना करती है किया तो मांगीलाल बहुवे ने कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी? झालावाड़ प्रजामंडल की। और ये कब होता है? 1946 के अंदर। इसमें भी उत्तरदायी शासन का निर्माण होता है और राजा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में चंद्र के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार। अरे उत्तरदायी सरकार का प्रथम कहा हुआ था? सापरा के अंदर। और वहां के राजा कौन थे? सुदर्शन देव। दोस्तों इसी के क्रम में अपन ने सारे प्रजामंडल पढ़ लिए। अपन ने एक बार रिवीजन और मार लेते हैं इनका, एक एक प्रजामंडल के बारे में पढ़े। थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी मैं जानकारी देता हूँ आपको और आप मेरे साथ करते रहिए पूरा। देखो जयपुर, जयपुर प्रजामंडल किसने की स्थापना? कपूर चंद पाटनी ने 1931 में। उसमें दो तीन टॉपिक बता देता हूँ। एक में एक जेंटलमैन समझौता होता है उसमें 17 सितंबर 1942 के अंदर, और उसी के खिलाफ आजाद मोर्चा होता है। जनरलमैन समझौता किन किन के बीच में होता है? मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। आजाद मोर्चा हरिचंद बाबा ने स्थापना की थी दोस्तों। उसी में 1945 वो होता है, चुनाव होते हैं और उन पर रोक, उस प्रजामंडल पर रोक भी लग जाती है। और 1946 के अंदर जनता का मंत्री बनता है देवीशंकर तिवारी, प्रथम गैर सरकारी मंत्री बनता है देवीशंकर तिवारी जयपुर प्रजामंडल के अंदर। और चरखा संघ 1927 में जो नाला बजाज ने निर्माण किया था वहां पे विद्यार्थी युतलिक का निर्माण टिका राम पालीवाल ने किया था। और दो तीन अखबार थे उसके अंदर, एक तो लोकवाणी जो राजस्थान बजाज किया स्टार्ट किया था देवीशंकर तिवारी ने 1943 के अंदर, श्यामलाल वर्मा ने 1942 में जयपुर समाज पत्र, गुलाब चंद काला ने जय भूमि। फिर इसी क्रम में आता है बूंदी, बूंदी की किसने की थी? कांतिलाल और नित्यानंद ने। एक ऋषिदत्त मेहता भी था जिसने बूंदी जैसी राज्य के लोक परिषद का निर्माण किया था और समाचार पत्र निकालता था राजस्थान वीकली कब? 1929 के अंदर। फिर इसी क्रम में अपन ने मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ा था। मारवाड़ प्रजामंडल में क्या क्या था मोस्ट इम्पोर्टेंट बता देता हूँ मैं। जय नारायण व्यास 1934 में स्थापना। एक तो आंदोलन होता है इसमें, एक मारवाड़ी कहानी सभा बनती है 1918 में, उस मरुदर कहानी सभा का नाम चेंज कर 1923 में मारवाड़ी कहानी सभा बोला गया। और मरुदर कहानी सभा का चांदमल सुराना ने स्थापना की थी और 1923 में इसको जयनारायण व्यास ने। और फिर एक इसमें है मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का निर्माण 1929 में होता है जयनारायण व्यास। और इसी में एक मारवाड़ सेवा संघ का निर्माण होता है 1920 के अंदर, किसने की थी? दुर्गा शंकर अध्यक्ष बने थे जयनारायण व्यास ने। और 1932 के अंदर सकललाल चौपसनीवाल ने झंडा फहराया था। और 10 मई 1931 में उसमें मारवाड़ी युतलिक का निर्माण हुआ था। और दो दिवस मनाए गए थे, कृष्ण दिवस बॉम्बे से और शिक्षा दिवस कलकत्ता यहाँ से जोधपुर से 1936 के अंदर। और इसी के क्रम में अपन आगे ये पूरा होता है मारवाड़ प्रजामंडल। इसमें एक थे बाल मुकुंद मिश्रा जी, उनको भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और कब होती है ये? 19 जून 1942 के अंदर। और उनको राजस्थान का सचिन दास भी बोलते हैं दोस्तों। इसी में इसके बाद में अरौती प्रजामंडल आ जाता है जैसे नैनू राम शर्मा 1934 में। फिर आता है बीकानेर प्रजामंडल 1937 के अंदर बना था।
मगर अवैध ने कलकत्ता में किया था, और कबीर पाठशाला सरोद कांड सभा बनी थी 1907 के अंदर, किसने की थी, कन्हैयालाल गोपाल दास, और इसमें दो पाठशाला बनी थी, कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला या कन्या पाठशाला। 26 जनवरी 1930 को धर्म स्तूप में वो पहनाया गया था, झंडा पहनाया गया था, किस किन किन द्वारा, गोपाल दास और चंदनमल भैर के द्वारा। और इस धर्म स्तूप वाला क्वेश्चन अभी उसमें आया था, राजस्थान के फॉरेस्ट गार्ड में क्या पूछा गया था, लाल घंटाघर कहां पर स्थित है, इसी धर्म स्तूप को लाल घंटाघर बोलते हैं, वो चूरू में स्थित है। दोस्तों इसी क्रम में अपन ने पढ़ा था 1931 में दूसरे गोल्ड मैच में शामिल हुआ था गंगा सिंह, तो इनके विरुद्ध दिग्दर्शन पत्र रीगा निकाली गई थी, और फिर बीकानेर षड्यंत्र के तहत 1932 में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, खूब राम सराप, सत्यनारायण सराप, गोपाल दास और चंदमल बैड़, ये इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। एक रघुवर दयाल ने यहाँ पे मारवाड़ बीकानेर लोक परिषद का स्थापना की थी 22 जुलाई 1946 के अंदर। फिर इसमें 2-3 दिवस बनते हैं, बीकानेर दमन विरोधी को 26 अक्टूबर 1944 को, और एक नेताजी दिवस 23 जनवरी 1946 को, और एक स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1921 में। बीरबल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को। क्यों मनाया जाता है कि राष्ट्रपाल कांड में बीरबल की मृत्यु हो जाती है, 1 जुलाई 1946 को राष्ट्रपाल कांड होता है। और फिर आता है धौलपुर प्रतापमंडल, धौलपुर में आचार्य सुधारणी सभा की स्थापना की थी जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु ने, और एक कृष्णदास पालीवाल ने इस प्रतापमंडल की स्थापना करते 1936 के अंदर, और नागरी प्रसारणी सभा की स्थापना होती है 1934 के अंदर। एक इसमें तस्सीमो कांड होता है, और इसमें पंचम सिंह सत्तर सिंह मारे जाते हैं तस्सीमो कांड के अंदर। फिर छापरा प्रतापमंडल आ जाता है, छापरा प्रतापमंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा ने की थी, और फिर अलवर प्रतापमंडल आ जाता है, हरिनारायण शर्मा ने की थी 1938 के अंदर, छापरा भी 1938 में, और धौलपुर था 1936 में। और अलवर प्रतापमंडल में 3 संघ बने थे, एक तो आदिवासी संघ, एक वाल्मीकि संघ, और एक था अस्पताल निवारण संघ। फिर भरतपुर प्रतापमंडल आता है 1938, 4 मार्च 1938 ये रेवाड़ी के अंदर होता है, और इसमें एक समाचार पत्र निकलता है, वैभव किसने किया था, जगन्नाथ ने, और उसने उसी ने हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना की थी 1912 के अंदर, और इसकी इस प्रतापमंडल की स्थापना की थी गोपाल लाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर आदित्यन्द्र किशन लाल जोशी भी थे इसके अंदर। दोस्तों इसी क्रम में अपन अपना करौली प्रतापमंडल आता है 1938 में ही, त्रिलोचन माथुर इसकी स्थापक थे, और फिर मेवाड़ प्रतापमंडल आता है, कब आता है, 24 अप्रैल 1938 में माणिक के लाल वर्मा ने स्थापना की थी, प्रथम अध्यक्ष बने थे बलवंत मेहता, और प्रथम अधिवेशन होता है 1941 में, जिसमें जेपी कृपलानी और माणिक के लाल अध्यक्ष बने थे, जेपी कृपलानी पधारे थे, और फिर 1200 आंदोलन में नारायण देवी और भागवती देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों इस प्रजामंडल में नाथद्वारा और भीलवाड़ा में 2 केंद्र थे, और भीलवाड़ा के रमेश चंद्र व्यास थे ना जो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही थे, इसी और बुरीलाल बयान इसके उपाध्यक्ष थे प्रजामंडल के, इनको कैद करके सराड़ा जेल में रखा गया उदयपुर की में, और सराड़ा जेल को मेवाड़ का काला पानी की संज्ञा दी गई है। फिर आता है कोटा प्रतापमंडल, अभिनहरी 1939 में और पंडित नेहरू राम शर्मा, और इसमें 1200 आंदोलन होता है जिसके जिस टाइम अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल जैन। इन इस प्रतापमंडल के कार्यकर्ताओं ने कोटा प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। फिर आता है किशनगढ़ के कांतिलाल चौथानी 1939। फिर आता है सिरोही 1939, सिरोही में कौन था, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट और एकतीवर्ती शंकर त्रिवेदी। इस सिरोही प्रतापमंडल की स्थापना कहाँ होती है, बॉम्बे के अंदर। फिर आता है कुशलगढ़ की स्थापना होती है 1942 में और भंवरलाल निगम द्वारा। फिर आता है
1943 के अंदर कौन सा आता है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी? बांसवाड़ा की स्थापना भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने, और यहाँ भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने संग्राम पत्र निकाला था कहां से? बॉम्बे से। और इसके मणिशंकर नागर और दुलजी भाई भावसागर, दुलजी भाई भावसागर की पत्नी थी विजया बेन भावसागर, इन्होंने क्या किया था? महिला मंडल की स्थापना की थी। और फिर आता है डूंगरपुर प्रजामंडल, कब आता है? 1944 के अंदर, और ये होता है 1 अगस्त 1944 की स्थापना कब? तिलक की पुण्यतिथि पर। इसके स्थापक थे भोगीलाल पांड्या जी, और एक थे जिन्हें वागड़ का गांधी कहते हैं, और हरिदेव जोशी, और एक थे गौरीशंकर उपाध्याय। गौरीशंकर उपाध्याय सेवक समाचार पत्र निकाला था। और इसी में एक राजतपाल कांड होता है और एक पुनवाड़ा का कांड। राजतपाल कांड कब होता है? 1947 को। क्यों होता है? यहाँ पर सामंत वगैरह ने बोला गया था कि यहाँ स्कूलों को बंद किया जाए, लेकिन यहाँ के एक अध्यापक थे नाना भाई और एक चंदा भाई, इन्होंने मना कर दिया स्कूल हम बंद नहीं करेंगे। इन्होंने स्कूल खोलने के विरुद्ध में यहाँ पर पुलिस आकर इनको उठा ले गई, और उनको पीटा चंदा भाई को भयंकर तरीके से, और नाना भाई को घिसते हुए लेके जा रहे थे। इसी के बीच में काली भाई इनकी वो थी सुधार थी, उन्होंने देखने के बाद में रस्सी को काट दिया, तो इन दोनों को गोले से छलनी कर दिया गया, काली भाई और नाना जी भील को। और इन काली भाई की मूर्ति लगी हुई है गिरफ सागर के पास। फिर आता प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में अमृतलाल पाठक, चुन्नी लाल और टक्कर बापा। जैसलमेर प्रजामंडल आता है फिर 1945 में मीठालाल व्यास। इसमें एक कांड होता है 4 अप्रैल 1946 के अंदर सागर में गोपा को तेल छिड़क कर मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। और 1932 में माहेश्वरी समाज नवयुग की मंडल की स्थापना होती है। इसमें एक समाचार पत्र होता है विजय 1920 में प्रकाशित होता है। फिर आता है झालावाड़ मांगीलाल भव्य 1946। यहाँ के राजा हरिचंद्र ने उत्तरदायी सरकार शासन की स्थापना की थी, और सापरा के राजा थे सुदर्शन देव, उन्होंने भी उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। दोस्तों इसी क्रम में अपना प्रजामंडल पूरा कंप्लीट होता है। अब अगला वीडियो अपन दूसरे टॉपिक का लेके आएंगे, और मेरे हिसाब से मैंने अच्छी तरीके से 2-3 बुक्स वगैरह देख के बहुत अच्छी तरीके से पूरी बुक्स वगैरह को एक जगह करके आपको अच्छी तरीके से समझाया है। इसको इस मेरे इस नोट्स को देखने के बाद कहीं से भी 99% गारंटी देता हूँ कि कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा इन नोट्स के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।